तो ऊंची चोटियों पर भारत के कब्जे से इस वक्त चीन बौखलाया हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि जवाब दे नहीं पा रहा है। सरहद पर हमारी तैयारी इतनी पुख्ता है तो 5000 मीटर पर हमारी सेना है। ये देखिए ड्रैगन, पंगा मत लेना, यह सीधा संदेश है, कड़ा मैसेज है चीन के लिए, जिनपिंग के लिए। ऑपरेशन ब्लैक टॉप के बाद चीन के इरादे वैसे ही बहुत स्पष्ट हैं। ऊंची चोटियों पर भारत के कब्जे से चीनी सेना घबराई हुई नजर आ रही है, इसका तोड़ कोई नजर नहीं आ रहा है। भारत 30वीं मंजिल पर तो चीन के ग्राउंड पर होने जैसे हालात हैं, हिंदुस्तान 30वीं मंजिल पर और चीन बिल्कुल नीचे, ये इस वक्त स्थिति है। भारत के एक जवान से मुकाबले के लिए चीन को वैसे भी 9 सैनिकों की जरूरत पड़ती है। इतने बुलंद हौसलों के साथ एलएसी पर हमारे जवान टिके हुए हैं, भारत के जवानों पर हमला करना चीन के लिए ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किल है। सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड पर भारतीय सेना को माउंटेन वॉर का अनुभव है। सियाचिन याद कीजिए, सियाचिन में 6700 मीटर की ऊंचाई पर 1984 में भारत ने जंग जीती है। लद्दाख में चीन ने एक भी हिमाकत की तो अब उसे मुंह की खानी पड़ेगी। यह सीधा मैसेज चीन के लिए है, शी जिनपिंग की सेना के लिए है। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता लगातार एलएसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये सारी तैयारियां ये साफ जाहिर कर रही हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति इन दुर्गम पहाड़ियों पर, इन दुर्गम चोटियों पर कितनी मजबूत हो चुकी है। देखिए, ये बात एकदम मानी ही बात है कि माउंटेन वॉरफेयर में कोई सानी नहीं है भारतीय जवानों का और चीन का कोई मुकाबला नहीं है। और इसका नतीजा देखिए, ये जो बातें हम आप कह रहे हैं इसका सबूत कौन दे रहा है? खुद चीन इसका सबूत वो दे रहा है। लगातार वो हमसे कह रहा है कि सर्दियां आ रही हैं, आप नहीं टिक पाएंगे, आप पीछे हट जाइए। आप सोचिए, कोई अपने दुश्मन को ये सलाह देता है कि आप पीछे हट जाइए इस फिक्र से कि सर्दियां आ रही है, आप टिक नहीं पाएंगे। ये वो जानता है, ये उनके जो रणनीतिकार है उनको पता है कि हमारे जवान यहां पर -40 -50 वो सियाचिन में ऑलरेडी टिके हुए हैं, वो यहां भी टिक गए हैं और साजो सामान के साथ टिक गए हैं। बोफोर्स आ रही है, T-90 टैंक है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, पूरा एयर पावर का सपोर्ट है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि चुशूल के साउथ या नॉर्थ में हो, ये पूरी 1547 किलोमीटर की जो लद्दाख की सीमा है खास तौर पर वहां पर ये पूरी की पूरी तैयारी है। तो ये उसको मालूम पड़ रहा है। और हमारी जो स्ट्राइक रेंज है, हमारी स्ट्राइक रेंज में चीन का पूरा इंस्टॉलेशन है, चीन का गैरिसन है, और इसीलिए चीन बार बार इस बात की सलाह दे रहा है या अपनी कमजोरी को जाहिर कर रहा है कि वो इन सर्दियों में हमसे नहीं लड़ पाएगा। क्या बात है, बहुत खूब, जबरदस्त तैयारी है इस वक्त सरहद पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।